ऐसी पूरी अभी जोड़ रहा पूरी आ गई की और बची। ये देखो मछली, बड़ी बार मछली दिखाऊं, जवान मछली दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये देखो मीडियम देखो और कच्ची। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हमारी हो गई सुबह की शुरुआत और आज का ब्लॉग है बहुत स्पेशल। मतलब स्पेशल तो क्या है, रोज़ डेली ब्लॉग ही जैसा है, जैसे रोज़ रोज़ होता है। तो सुबह शुरुआत हो गई है और ये आग जला दी है रामश्री ने। सिंघाड़े लिए थे वही उबाल के खाने के लिए। तो सिंघाड़े भैया ले आए थे बहुत दिनों से, तो मंगाया था कि बहुत दिनों से खाया नहीं है, ले आओ ले आओ, तो सिंघाड़े लेके आए थे। और आज हमारे जो पड़ोस में भैया हैं उनका तालाब है, तो वहाँ मछली पालन किया गया है। तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई, पर मैं वहाँ पर कभी गई नहीं। पर मैंने दीदी से कहा कि आज जाओ तो मुझे ज़रूर ले जाना, मुझे देखना है कि मछली कितनी सारी कैसी लगती होंगी। मतलब बहुत शौक लग रहा था देखने का, तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर बुलाना। फिर रामू ने कहा मैं भी जाऊंगी, तो हमने कहा हम जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ हम पहुंच गए थे फिर तालाब में, खाना पीना सब खाकर। तो यहाँ देखो भैया लोगों का बड़ा जुगाड़ी बिस्तर लगा हुआ था, भैया लोग यहीं सोते हैं क्योंकि तालाब में देखना होता है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई हैं, तो यहीं पे रहते हैं दो लोग। तो यहाँ बहुत अच्छा जुगाड़ किया गया था रहने का। और देखो तालाब खूब बड़ा है, वहाँ से पूरा वहाँ तक बहुत बड़ा तालाब है। तो यहाँ पे बहुत मछलियाँ और निकल चुकी हैं, मछलियाँ और निकलने को बाकी हैं। तो निकालने वाले आ गए हैं, और बहुत बड़ी सी मच्छरदानी लिए हुए थे, पता नहीं कुछ कहते हैं उसे, मुझे तो पता है नहीं। तो ऐसे पूरा फैला रहे थे, बहुत मेहनत है पर मछली निकालने में। मैं पहली बार देखे, मैं सोच रही थी मछली निकालते कैसे होंगे, मैंने सोचा कि अब तो हाथ हाथ से पकड़ते होंगे, नहीं तो सोचा कि ऐसे जारा डालते होंगे तब निकलती होंगी। पर यहाँ देखा कि भैया इनका भी अलग स्टाइल ही होता है मछली निकालने का। तो पता नहीं कैसे कैसे ये पूरी इतनी लंबी सी मच्छरदानी थी, वो यहाँ से उस कोने तक 6 से 8, 7-8 आदमी तक लगे थे, ये आए थे मछली निकालने के लिए। और 3-4 इस कोने में थे, 3-4 उस कोने में थे, और ऐसे करके खींचते पूरे उस कोने से तालाब से मच्छरदानी खींचते खींचते इस कोने तक लेके आए। और सारी मछलियाँ ऐसे धीरे धीरे करते करते इस कोने में आ गई। और आप देखिए इतनी सारी मछलियाँ इस मच्छरदानी में आ गई, मैं क्या पता, देखने लायक नज़ारा था। मैंने तो पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा नज़ारा देखा, तो मुझे तो बड़ा एक्साइटेड थी मैं कि भाई इतनी मछलियाँ आप देख ही सकते हो। और हमारे कैमरे में तो इतना शुद्ध नहीं आ रहा है, इतना शुद्ध कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन लाइव देखने में बड़ा मज़ा ही आ रहा था। मैं तो दक्षू को सोच रही थी कि अगर दक्षू होती तो कसम से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो आए थे मछली आज लेने वाले, किसी को 60 किलो चाहिए था, किसी को 40 किलो चाहिए था, तो वही आए थे लेने वाले, तभी आज मछली निकलवा रहे हैं। इसलिए हम पहुंच गए हैं आज मछली देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए मछलियाँ कितनी सुंदर सुंदर है, आप भी आज आनंद लीजिए। छोटी बड़ी सारी प्रकार की मछलियाँ हैं इसमें। ऐसी भी तब मैं कितनी गई पूरी अभी जोड़ रहा पूरी आ गई की और बची। ये देख, ये देखो मछली, बड़ी बार मछली दिखाऊं, जवान मछली दिखा रहा हूँ तुम्हें।
कच्ची मच्छी खा जाता यार दीदी चार फुका रही तुम तो कहती अभी रखो गाड़ी में ले जाओ यहाँ कर दे और कितने किलो भैया बड़ा मजा आया सच्ची कह रही हूँ और मछली निकाल रहे हैं 30-40 किलो निकल गई और ज़्यादा निकलेंगी आज पहली बार देखिए मछली निकालते हुए कसम से बड़ा अच्छा लगा यार हाँ तभी मैंने कहा जाऊंगी जरूर देखना जरूर है कहीं मछली तो देखिए बहुत बड़ा तालाब है ये हमारे बड़े भैया का ही है बड़े भैया का ही है तो आज मैंने कहा कभी नहीं आई हूँ तो आज देखने चलते ही हैं तो लगे हुए हैं लोग देखने के लिए मैं दिखा लगे हुए बहुत मेहनत है मछली निकालने के लिए तो अभी सगाई चल रही है मतलब दिन रखाई में हमारे वहाँ मछली लेके जाते हैं तो इसलिए हाँ शगुन होता है मछली तो 30-40-50 किलो हमारे यहाँ की मछली ही पकाते हैं लड़के के यहाँ से जाती है लड़की के वहाँ पे तो यही मछली बनती है तो अभी जल्दी चलते हैं और दिखाते हैं आपको मछली और बाद में बताऊँगी इस बारे में आपको ये रामू तो मछली लेके घूम रही है इतनी सारी मछली ले ली है हमने हाँ और ये दो झोले लिए हुए हैं इसमें भी मछली भरेंगे 1 किलो 2 किलो देखिए कितनी भीड़ भाड़ हो गई है एक बार तो निकल गई है ये दूसरी बार निकाल रहे हैं तो हम भी लेके जा रहे हैं हम भी मछली खाने वाले हैं ताज़ी मछली क्या बताऊँ बहुत अच्छी लगती है ये देखिए देखिए कितनी मेहनत है बहुत मेहनत लगती है इसमें उसे खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत इतने सारे लोग जाके लगते हैं तब जाके मछली आ पाती हैं तो पहले तो आई थी छोटी छोटी मछली अब देखते हैं कैसी मछलियाँ निकलती हैं ये देखिए ओ भाई मछली देव वो है कि नहीं सारो निकल बहुत डराएगा वो भाई वो पेटों तो कितने मोटे मोटे हैं रियो भोले बाबा बना दे कितने सांप जो कौन सी मछली है जो कतला अभी देखो मैं देखो तुम्हारा टाइम पे देखो जो ही देखा ये कैडो भाई कैडो कब लाएगा बहुत तेरा बहुत तेरा देखो भैया मछली लिया है रामू कितने किलो मछली लिया है इसमें 2 किलो है इसमें 2 किलो 1.5 किलो है और जामे कितने किलो है जामे समझ लिया 29 किलो निकाल आए हैं तो 3-4 किलो होंगी 3-4 किलो गजब बजनी लग रही हैं और जामे से निकरन कर रही हैं तो हमारे घर हेतु आए गए हैं तो हम जा रहे हैं घर है जो हमारे पास 5-6 किलो मच्छी हैं मच्छी फिर निकल गई हैं तो हम घर जा रहे हैं फोन आ रहा है भैया कि घर आए पड़े हैं हमारी बहनियाँ आए पड़ी हैं बहनियाँ आई हैं तो हम जा रहे हैं और लग रही हैं गजब भारी तो आज गजब मजा आया मच्छी देख तो है रामू हाँ। पहली बार देखी है पहली देखी रे इतनी मच्छी देखो रहा पर मरत है ना देखो मरत भी ना देते भैया गजब मजा आओ तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं घर लग रही है गजब भारी मच्छी नमस्ते नमस्ते हम कह रहे थे ना हमारे घर हमारी बहन आई है तो हमारी बहन आई हुई थी वो भी ये चाय पी के लिए जा रही है क्योंकि दूध वाली चाय नहीं है ना खाली चाय है तभी ये चाय पी के नहीं जा रही थी ये तो आई थी काम से तभी जा रही है घर इनको चाय नहीं पिलाते हैं फिर क्या
तो एक मेरी बेइज्जती मत करियो कि चाय ना पिवाए, ठीक है? मेरी बेइज्जती मत करियो कि चाय ना पिवाए, अब ना पिवाए वो बात अलग है। तो ठीक है रही हो तो बाय। हाँ और हो गई है शाम और हम बनाने लग गए हैं खाना। और आज बना रहे हैं हम अंदर वाले चूल्हे में भी नहीं और बाहर वाले में नहीं, ये है आंगन वाला चूल्हा, बिल्कुल बाहर ही। तो मैंने कहा आज बाहर ही बनाऊंगी, बाहर खाना बनाते थोड़ा अच्छा लगता है और शाम के टाइम खुला खुला मौसम, ठंडी ठंडी हवाएँ। तो आज बना रहे हैं मछली, वही जो लेके आए थे। तो मछली चावल मैंने बना लिया था, मछली अब बना रहे हैं। फिर आज अपना ब्लॉग ही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।